प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो में 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। नाउ लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर 21 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर दिया है टेन स्क्वायर 2x-3dx। टेन स्क्वायर का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x-3-1 dx by sec square theta is equal to 1+tan²θ। अब हम क्या करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चनों का हिंट दे रहा हूं, उनको आप खुद ट्राई करेंगे। अब हम यहां पर 2x-3 को टी पुट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन टी पुट करने के बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर टी माइनस वन। sec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan टी। इन दिस क्वेश्चन हम यहां पर पुट कर देंगे 7-4x=t और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर टी। नाउ इन दिस क्वेश्चन हम पुट करेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1-x²√dt/dx। दैट मीन्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा √1-x²dt। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। इन दिस क्वेश्चन पुट 6cos x + 4sin x = t। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज -6sin x + 4cos x = dt/dx। यहां से ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे और इसमें से 2 कॉमन ले लिया। क्या ले सकते हैं, इसे यहां पर हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लिया तो -3sin x + 2cos x = dt/dx। यहां पर हम dx की वैल्यू पुट कर देंगे, नीचे हो जाएगा t। नाउ इन दिस क्वेश्चन पुट करेंगे हम यहां पर 1-tan x = t। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, 0-sec²x = dt/dx। और फिर यहां पर हम dx की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ इन दिस क्वेश्चन यहां पर हम पुट करेंगे, इसको t पुट करेंगे √x = t। दैट मीन्स व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ √x का, 1/√x dt/dx। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये dx = 2√x dt। ये वैल्यू हम इस इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे, ये हो जाएगा cos t / √x dx की क्या वैल्यू होगी, 2√x dt। √x कैंसिल हो जाएगा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार आ जाएगा cos t dt। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। दैट मीन्स 2 sin t और t की वैल्यू पुट कर देंगे 2 sin √x + c। दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक अ नोट।
Now, in question number 27, sin 2x को हम t put करेंगे. Put sin 2x is equal to t. So what is the differentiation is? Cos 2x और 2x का करेंगे तो यह आ जाएगा 2 dt over dx. Cos 2x कैंसिल हो जाएगा. तो यहां से dx की क्या वैल्यू आएगी? dx is equal to dt upon 2 cos 2x. ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं. After that, put 1 plus sin x is equal to t. तो ये क्या हो जाएगा? 0 plus cos x is equal to t. थोड़ा आप ध्यान से करें, क्योंकि यहां पर differentiation और integration साथ साथ चल रही, तो इसमें confusion ना हो. ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे. That means dt is equal to हो जाएगा cos x dx. तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? dt upon under root t. Now, in this question, यहां पर हम पुट करेंगे log sin x is equal to t. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 log sin x का, तो 1 upon sin x, और फिर sin x का हो जाएगा cos x is equal to dt over dx. यहां पर हमने चेन रूल अप्लाई किया है. log x यानी कि log sin x का डिफरेंशिएशन 1 upon sin, फिर sin का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से cos x. तो ये क्या हो जाएगा आपका? dx into cos x upon sin x is equal to dt. ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा dx into cot x is equal to dt. तो ये क्या हो जाएगा? यहां से dx की वैल्यू हो जाएगी dt over cot x. ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे. नाउ इन दिस क्वेश्चन पुट करेंगे हम 1 plus cos x को t पुट कर देंगे. एंड इन दिस क्वेश्चन भी हम 1 plus cos x को t पुट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? यहां पर हमने कर दिया पुट. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 minus sin x is equal to dt over dx. That means यहां से dx की क्या वैल्यू आएगी? dx is equal to dt over minus k sin x. ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे. तो क्या आएगा? ये sin x upon t की पावर 2 into dx की वैल्यू dt upon minus k sin x. This is cancel minus integration t की पावर minus 2 dt. t की पावर minus 2 का मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर? by x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. तो ये क्या हो जाएगा? minus t की पावर minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. ये हो गया minus 1. और minus से minus cancel, plus हो गया t की पावर minus 1, 1 upon t. t की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे 1 plus cos x plus c. Please make it up. Now question number 32 and 33 both are same. एक ही मेथड से
सॉल्व होंगे ये क्वेश्चन, एक ही टिप चाहिए इसमें। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 32। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 1 upon 1 plus cot x dx, 1 upon इसको हम लिख सकते हैं 1 plus cos x upon sin x dx। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 upon sin x plus cos x upon sin x dx, इट मीन्स sin x upon sin x plus cos x dx। नोट कीजिए, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। क्या सिंप्लीफाई करना, कि हम इसमें 2 से तो मल्टीप्लाई कर दें, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, 1 upon 2, ये क्या होगा 2 sin x, इसको sin x plus cos x or plus sin x minus cos x divided by sin x plus cos x dx। नॉट मैंने यहां पर लिख दिया, नॉट का मतलब है कि आपको ये बात यहां पर ध्यान रखनी है कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और फिर 2 sin x को हम लिख सकते हैं, देखो sin x और sin x जोड़ के 2 sin x हो गया, और cos से cos कैंसिल हुआ, इसलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 upon 2 sin x plus cos x divided by sin x plus cos x, और फिर प्लस sin x minus cos x divided by sin x plus cos x। अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर जो हमने सिंप्लीफाई किया वो क्यों किया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको ये क्या हो गया 1 upon 2, ये 1 हो गया, 1 integration dx plus sin x minus cos x divided by sin x plus cos x dx, 1 upon 2 इसका इंटीग्रेशन तो x हो गया, प्लस इसको हमने t पुट कर दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से पुट कर दिया हमने sin x plus cos x को t पुट कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x minus sin x is equal to dt over dx। क्या ध्यान दीजिए, ये है cos x minus sin x और ये है sin x minus cos x, तो यहां पर हम माइनस कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, ये sin x minus cos x is equal to dt over dx, ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2x, और माइनस हमने कॉमन दे दिया था तो ये बन जाएगा 1 upon t dt, इट मींस 1 upon 2x minus log t, ये 1 upon 2 ही है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पर माइनस 1 upon t आ जाएगा, 1 upon 2x minus 1 upon 2 log t की क्या वैल्यू पुट करी थी हमने, sin x plus cos x और plus c, तो इसका आंसर क्या होगा 1 upon 2x minus 1 upon 2 log sin x plus cos x plus c। सेम एज सॉल्यूशन नंबर 33 डी आई पी डू इट।
सबट्रैक्ट सेम है बिल्कुल इसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करना 2 से डिवाइड करना cos x या sin x को प्लस करना और माइनस करना सेम है प्लीज नेम मेक इट नोट प्लीज मेक इट नोट नाउ क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्यूशन 34 में इंटीग्रेशन ऑफ tan x डिवाइडेड बाय sin x इनटू cos x इसको भी हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे कैसे करेंगे यहां पर देखो tan x दिया है तो इसे हम tan बनाएंगे रूट tan x divided by sin x into cos x इसे हमने cos x से डिवाइड कर दिया और cos x से मल्टीप्लाई कर दिया तो sin upon cos क्या हो गया tan that means ये हो जाएगा tan x root upon tan x into cos square x dx अब हम यहां पर tan x को t पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा put tan x is equal to t तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec square x dt over dx that means dx is equal to dt upon sec square x ये वैल्यू हम यहां पर पुट करें तो t upon t into dt upon cos square x into sec square x dx की जगह क्या रखेंगे dt upon sec square x और ये क्या हो गया 1 और इसको क्या लिख सकते हैं हम t की पावर 1 upon 2 minus 1 dt t की पावर माइनस हाफ dt तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो इसे t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 ये हो जाएगा t की पावर हाफ अपॉन 1 अपॉन 2 2 √t t की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये tan x plus c that is your answer in solution number 35 में हम 1 plus log x को t put कर देंगे तथा solution number 36 में हम x plus log x को t put करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x plus 1 बटे x एंड सॉल्यूशन नंबर 37 में हम tan इनवर्स x की पावर 4 को t पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा tan इनवर्स x का होता 1 upon 1 plus x square तो 1 upon 1 plus x की पावर 4 की पावर 2 into chain rule से x की पावर 4 का क्या होगा 4x की पावर 3 dt over dx ये वैल्यू हम 37 में पुट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा t dt तो dip दीज क्वेश्चन को इन सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें प्लीज मेक इट नोट
Now, question number 38. Integration of 10 to 10 x की पावर 9 plus 10 की पावर x log 10 divided by x की पावर 10 plus 10 की पावर x dx. यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? इसे t पुट करेंगे तो पुट x to the power 10 plus 10 की पावर x is equal to t. तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर n से 10 x की पावर 9 plus, यहां पर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? d upon dx a to the power x by, तो इससे क्या हो जाएगा? a to the power x log a. इस वाले फॉर्मूले से a की वैल्यू कितनी है? 10. तो 10 की पावर x into log 10 is equal to dt over dx. तो यहां से dx की वैल्यू क्या होगी? dt over 10 to 10 into x की पावर 9 plus 10 की पावर x और log 10. ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे. क्या आएगा ये पुट करके? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो आपका dt हो गया, dt अपॉन t, इट मींस log t plus c, यानी कि log t हमने क्या माना था यहां पर? x to the power 10 plus 10 की पावर x plus c, that is your answer. Now, solution number 39, 1 upon sin square x cos square x dx. Please note the point. इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? Sin square x plus cos square x divided by sin square x cos square x dx. वन का फॉर्मूला होता है sin square theta plus cos square theta equal to 1. तो इसे हम लिख सकते हैं सेपरेट करके sin square x upon sin square x cos square x plus cos square x upon sin square x cos square x dx. साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स. वन अपॉन कोस जो है सेक होता है और वन अपॉन साइन कोसेक होता है. सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स. और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स प्लस सी, दैट इज योर आंसर. प्लीज मेक अ नोट. प्यारे बच्चों, आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो एंड दैट व्हाट आई हैव टॉट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.